किसान और केंद्र के बीच में तकरार लगातार जारी है। तीन बैठकें हो चुकी हैं लेकिन तीनों बैठकें बेनतीजा रही हैं। अगली बैठक रविवार को शाम को होगी, लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर हूँ। पुलिस प्रशासन ने पूरी दिल्ली बॉर्डर को कवर किया हुआ है। ऐसे में कई चीजें प्रभावित है, परिवहन में काफी प्रतिबंध चीजें हो गई, ट्रैफिक काफी जाम हो चुका है। ऐसे में मैं एक स्कूल के बाहर हूँ टिकरी बॉर्डर के। यहाँ पर आज CBSE का 10th क्लास का एग्जाम है और यहाँ पर देखिए ये वही स्कूल है जहाँ मैं खड़ा हूँ टिकरी बॉर्डर के पास, और यहाँ पर बच्चे एग्जाम देने गए हैं। और उसके बाहर आप कैमरे में देख रहे होंगे सभी बच्चे के अभिभावक पेरेंट्स हैं। हम कुछ पेरेंट्स से बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कितनी समस्या हुई उनको देखने के लिए, आने जाने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम कमल मिश्रा है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ दिल्ली किराड़ी में रहता हूँ। किराड़ी में रहते हैं। हाँ। अच्छा, आज बच्चे क्या, कौन है आपके बच्चे? जी, हमारी लड़की है अंशिका मिश्रा, 10th क्लास में पढ़ती है। उसको लेके आने में सबसे बड़ी जो ट्रैफिक समस्याएं हैं कि DTC बस वाले, पहली बात तो कोई कई बस वाले ऐसा है अपना नेम प्लेट चेंज करके मैं दूसरी जगह रूटीन वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन वहां पब्लिक परेशान हो रही है। इनसे कोई सरकारी सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। स्कूल में बच्चों के पास आप जाके देखिए, फेक न्यूज है कि मैंने 500 स्कूल बनवा दिया, 500 अच्छे अच्छे स्कूल दे दिया, अच्छे सिस्टम दे दिया, लेकिन आप जाके देखिए वहां किस तरीके टीचर करती हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे उनके साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप कह रहे हैं स्कूल में भी चीजें सुविधा बिल्कुल सर नहीं है। लाख लाख डेढ़ लाख रुपए सैलरी दी जा रही है, सिस्टम चल रहा है, लेकिन आप जाके देखें कि किस बच्चे के, अगर उनकी सब्जेक्ट आप उठा के देखेंगे तो उनको ऑनलाइन बता दिया जाएगा, आप अपने घर में पढ़ लीजिए। उनको कोई ट्रिक देने का सिस्टम नहीं है, प्रश्न क्वेश्चन नहीं है, कौन करेगा? स्कूल में भी साफ सुविधाएं कुछ भी नहीं है सर। आप जाके देखें ना, वहां कोई साफ सफाई MCD वाला कर्मचारी कभी दिखता नहीं है, कभी कोई सिस्टम नहीं है, बाथरूम तक साफ नहीं है, बच्चे किस में जाएंगे? आप समझिए। अच्छा, आप आज 10th क्लास का एग्जाम बेटी को दिलाने लाए हैं, वहाँ रहते हैं, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर है सर, हमारा घर किराड़ी है, कम से कम 6 किलोमीटर की दूरी पे, 6 या 7 किलोमीटर के बीच। कितना समय लगा आपको? कम से कम 1.5 घंटा सर। वहाँ से ट्रैफिक व्यवस्था में आप देखेंगे जो हालत कर रखी, आप आज तक 30 साल मेरे को रहते हो गए हम टिकरी बाट वहाँ किराड़ी में, 30 साल के बीच में कम से कम इससे पहले जब से एक सरकार आई है जो सबको लोलुप दे रखा है फ्री का, कम से कम वहां से किराड़ी से यहां निकलने में आप समझिए पैदल चल के आएगा बंदा, वो से उस क्या नाम, आप साधन से या व्हीकल से आना बड़ा मुश्किल है। तो आपको यहाँ के 6 किलोमीटर ले लो, आप किराड़ी से यहाँ 6 किलोमीटर का सफर आपने 1.5 घंटे में कवर किया, किस तरीके से किया, कितनी सर समस्या है आपको? हमारे यहाँ सर वो रेलवे ट्रैक पड़ता है किराड़ी विधानसभा का, सबका मुंडका और किराड़ी जोड़ता है जो हमारा एक रोड है, ठीक है, उसमें आप जाइए, पूरी रोड आज कम से कम मैं आपसे बता रहा हूँ कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल नाला रोड, बच्चे पैदल कैसे जाते हैं 2.5 से 3 किलोमीटर किराड़ी के बच्चे, मतलब काफी समस्या होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए टिकरी पे आज बॉर्डर सील कर दिया गया है, चीजें हैं, ट्रैफिक पूरी व्यतीत हो गई है, यातायात में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, जाम हो रहे हैं, ऐसे में आपको कितना समय लगा वहां से यहाँ पहुंचने में और किस तरीके से आपने सफर पूरा किया? सर हम लोग पैदल चल के आए, पैदल 6 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहां से किराड़ी से चल के वहां तक आए हैं, क्या नाम आपका, रोहतक रोड तक, रोहतक रोड से फिर हम लोग वहां कम से कम आधे घंटे इंतजार किए हैं DTC बस का। आधे घंटे इंतजार करने के बाद तब कोई भाई सज्जन रहा होगा ड्राइवर जिसने रोक दिया, हम लोग चढ़ के तब आए हैं टिकरी बॉर्डर तक। आप समझ, यहाँ पर पेरेंट्स हैं बच्चों को, उन्होंने बताया कि 6 किलोमीटर की दूरी पर यह सेंटर था लेकिन 6 किलोमीटर को उनको 1.5 घंटा लगा सफर तय करने में और कितनी मुश्किलें हुई, DTC बस पर बड़ी मुश्किल से मिला, पैदल चलना पड़ा है, इस तरह की समस्याएं आम जनता को यहां देखनी पड़ रही है। लेकिन क्या करें, समय से पहले ही वो निकल गए क्योंकि उनको पता है कि टिकरी बॉर्डर के आसपास और दिल्ली में काफी ट्रैफिक की समस्याएं देखने को मिल रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से सील कर दिया है ट्रैफिक को, इसलिए वो पहले ही काफी निकले और समय से पहले पहुंचने की पूरी कोशिश करी, लेकिन ऐसे में उनका सफर जो था वो बेहद ज्यादा मुश्किल बढ़ा था।